चोपटा के बिचारों क्या प्रॉमिस करके आए थे बैठा है आज ये सबको खुश कर दोगे डिप्टी चीफ मिनिस्टर बैठा है कुछ डिप्टी चीफ मिनिस्टर बना बैठा है ये वायदा करके आया था ये मुआवजा दिलाऊंगा बेचारे कहीं उन्होंने तहसील के ताला लगा रखा था और अब यू का यू बैठे है और कहता है हुड्डा जी आपको तकलीफ है आपने मैंने 14 मैग में ले रखे मन में तकलीफ है 10,000 वोट से तो तेरी इसकी जेंडर की माँ से आ रहा था तू 47,000 से जीता तेरे पर दो टिकट थी और भी टिकट थी जब तू MP बना तेरे पिताजी ने आशीर्वाद लिया था पता कर लेना उनसे तेरे भाई की मदद करी दिग्विजय की तेरे लिए 5 दिन अलग से लगाए मैं तेरी मदद से जीतता हूँ मेरे पास भी 2 टिकट थी तेरी अकेले की नहीं थी 35,000 वोट में अकेला इंडिपेंडेंट ले रहा था ऐसी बातें मत कह अगर बहुत बुरी बात है ये अपना काम करो ठीक से अध्यक्ष अपना काम करो ठीक से भाई भाई बहुत है गौतम साहब आप जो बात कह रहे हो सुन लो आज मैं 4 साल हो गए इस सदन के अंदर ये सुनता हूँ मेरे वोट थे अगर इतना ज्यादा मेरे वोटों पर है इस्तीफा लिखो जाओ इस्तीफा तू दे दे तूने पहले था तू के मांगे था वहीं से हार के आ जाते वोट से मैं दे दूंगा तू भी दे दे उसी दिन ये क्या मतलब यार तू जाके वहाँ मेरे हल्के में कहता है अरे भले आदमी सारे हल्के में अगर, अगर सदन का समय इस तरह की बातों में आपके नहीं था तो ये तो ऐसा सदन बैठ जाइए जितने पंचायत विभाग है सारे कमीशन खोर हैं काम अटके पड़े हैं म्युनिसिपल कमेटियां हैं बहुत बुरा हाल है सारे कमीशन खोर हैं सारे काम अटके पड़े हैं और मेरा आपसे ये कहना है ये जो ई टेंडरिंग जो है ये इसके लिए मैं पहले भी कह चुका संस्थाओं में ई टेंडरिंग बंद कर दो आप किसी को भी देते हो किसी समाज को देते हो डायरेक्ट उनको पैसा दो मेरा आपसे प्रार्थना है आग्रह और उसके अलावा ये जो ऑनलाइन ट्रांसफर है उसमें रिलैक्सेशन करो ऑनलाइन ट्रांसफर जो है बैठ जाओ भाई ऑनलाइन ट्रांसफर और जो राइट में आपका कंट्रोल छोड़े भाई है मेरा कंट्रोल मेरा कंट्रोल है मेरा कंट्रोल है हमने धरती बंद करी है हमने डायरेक्टर को रोका है ऐसे थोड़ी होगा कंट्रोल नहीं ये मेरा आप नहीं कह सकते आप बटे आपकी इज्जत करता हूँ ऐसे थोड़ा कुछ भी कह दोगे बहुत बढ़िया नहीं नहीं ऐसे भाई बाबा जी मंत्री जी आप बैठ जाइए प्लीज बैठ जाइए ईश्वर जी प्लीज बैठ जाइए अभी कोई नहीं अब बैठ जाइए जी।